दोस्तों नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है जी एक नई वीडियो के साथ। आज बात करेंगे जी जो प्रीत के 6549 मॉडल के बारे में जी। दोस्तों ये ट्रैक्टर जो है आपको फोर व्हील और टू व्हील दोनों में उपलब्ध हो जाएगा और ये ट्रैक्टर पूरे 65 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें इसके टायरों से तो आपको इसके अंदर 750/16 के फ्रंट टायर मिलते हैं जी और जो पिछले टायर दिए गए हैं इसके अंदर वो 16/9/28 के मिलने वाले हैं जी। बड़े टायर मिलेंगे और ये ट्रैक्टर आपको फोर व्हील और टू व्हील दोनों में उपलब्ध हो जाएगा। डबल पंप के साथ आता है जी, ये डबल पंप दिया गया है, हाइड्रोलिक का भी और पावर स्टेयरिंग का भी। पावर स्टेयरिंग के अंदर आपको ट्रैक्टर मिलेगा जी और जो फ्रंट एक्सल है इसका वो आपको नॉन एडजस्टेबल एक्सल मिलने वाला है, यानी कि इसको आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे जी। वहीं इसके अगर हम फ्रंट से बात करें तो इसकी जो लुक है वो एरोडायनामिक लुक दी गई है। प्रीत के लगभग सभी ट्रैक्टर जो आपको एरोडायनामिक लुक में ही मिलेंगे और फ्रंट में आपको कंपनी की बैजिंग मिलने वाली है और एयर क्लीनर इसका आपको ड्राई टैप का मिलेगा जी और इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो रिकवरी बोतल के साथ कूलेंट दिया गया है। फ्रंट में आपको बम्फर मिलता है और साथ में ट्रैक्टर के जो है शो के साथ ही हांडी या चूल्हा कह दें वो ये मिलने वाला है इसके अंदर। वहीं अगर हम एस्केप सिलेंडर की बात करें तो इसके अंदर आपको 4-स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन मिलने वाला है इंजन, जो कि 4 सिलेंडर के अंदर आपको मिलेगा और ये पूरे 4,087 cc का इंजन है जी, जो कि 2200 rated RPM पे अपनी फुल पावर जनरेट कर देता है जी। वहीं अगर आप इसके बोर स्ट्रोक की बात करें तो इसके अंदर आपको 105x118 का बोर और स्ट्रोक मिलने वाला है जी। ट्रैक्टर के ऊपर जाने के लिए आपको जो एक स्टाफ मिलेगा और ये ट्रैक्टर आपको जो है फ्लैट डेक टाइप के फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ मिलता है जी। सीट एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे अपने काम के, अपनी हाइट के और वजन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, फ्यूल टैंक इसका जो है वो आपको लोहे का मिलने वाला है जी, जो कि 67 लीटर का होगा, यानी कि आप इसके अंदर एक बार के अंदर जो है 67 लीटर फ्यूल डलवा सकते हैं जी। वहीं अगर हम अब इसकी बात करें कि इसके अंदर आपको 540 एंड CRPTO मिलने वाली है जी, इसके अंदर आपको CRPTO मिलेगी जी और इसका जो हिच है वो एडजस्टमेंट दी गई है और हैवी ड्यूटी हिच बनाया गया है जी। लिफ्ट कैपेसिटी इसकी 1800 kg दी गई है। स्टेबलाइजर कुछ इस तरह की आपको मिलने वाली है। पीछे आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा जी, यानी कि आप अपने काम के अकॉर्डिंग इस डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हॉलेज वगैरह का काम, लैंड लेवलर का काम और दूसरा के मतलब आप इसके अंदर हर प्रकार के जो है इम्प्लीमेंट, प्रेशर वाले इम्प्लीमेंट्स लगा सकते हैं। एक रिफ्लेक्टर मिलेगा जी, साथ में बोतल रखने के लिए केज मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक आपको इसके अंदर अडप्टर मिलेगा और बीच में रोड लगाई गई है ताकि जो दोनों मडगार्ड हैं वो बैलेंस रहें, वाइब्रेशन कम से कम करें। और जो पीछे के आप मडगार्ड की बात करें, मडगार्ड जो पिछले इसके अंदर आपको मिलेंगे वो जैसे अर्जुन 605 Novo के अंदर दिए गए हैं, सेम उसी प्रकार के आपको इसके अंदर जो है मडगार्ड मिलने वाले हैं जी। 3 पॉइंट ऑफ लिंकेज मिलेंगे, 3 पॉइंट लिंकेज है बीच का जो है उसके अंदर आप लगभग सभी प्रकार की जुताई कर सकते हैं, बाकी आप अपने खेत के अनुसार ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अंदर आपको ABC वाला गियर बॉक्स मिलने वाला है जी, ABC का इसके अंदर आपको जो है गियर बॉक्स मिलेगा, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग मैश और कॉन्स्टेंट मैश का जो है कॉम्बिनेशन है और 4 गियर आपको इधर मिलते हैं जी इसके अंदर, उधर आपको इसके अंदर PTO ऑपरेट करने के लिए लीवर मिलने वाला है। तो अगर हम इसके बात करें अब इसके डैशबोर्ड की, इसके मीटर की, तो इसके अंदर आपको 3000 RPM मिलने वाले हैं, जो कि 2200 rated RPM पे अपनी फुल पावर जनरेट करके देता है। स्टेयरिंग की बात करें तो काफ़ी छोटा स्टेयरिंग इसके अंदर दिया गया है, जो कि चलाने में आपको बहुत अच्छा लगता है। लुक कुछ फ्रंट से आपको इसकी इस तरह की नज़र आने वाली है जी। ये इसके अंदर जो है यहाँ पे एक आपको फॉरवर्ड और रिवर्स का लीवर मिलने वाला है। ABC गियर के साथ ये ट्रैक्टर मिलता है जी, यानी कि स्लाइडिंग मैश और कॉन्स्टेंट मैश के जो कॉम्बिनेशन है उसका आपको इसके अंदर गियर मिलेगा ABC का बड़ा। 4 इसमें आपको इधर मिलेंगे और ABC का नीचे दिया गया है। वहीं अगर हम इसकी स्पेस की बात करें तो इसके स्पेस के बारे में बात करें तो ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इसके अंदर आपको खुला स्पेस नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा टाइट भी स्पेस इसके अंदर नहीं दिया गया है। यानी कि अगर कंफर्ट की बात करें तो कुल मिला के आपको एवरेज कंफर्ट इसके अंदर मिलने वाला है, जिससे कि आप इसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं जी। तो किसान भाइयों, ये थी इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।